आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज पटना में विधानसभा मार्च निकाला गया है। इस मार्च का नेतृत्व अमर आजाद कर रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है छात्र व युवा हैं इसमें। और इनका सीधा कहना है कि सरकार जो है दलित व अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कर रही है और इनके अधिकार का हनन कर रही है, जिसके खिलाफ आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जेपी गोलंबर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ये जो विधानसभा मार्च पटना के बीएन कॉलेज के निकट से निकाला गया था, उस मार्च को जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल जो लोग हैं वो लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन लोग का कहना है, क्या कुछ ये लोग मांग कर रहे हैं। चूँकि जिस तरह से बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ भीम आर्मी के लोग हैं, पासवान समाज के लोग जुटे हुए हैं, आप जो आप हाथ में जो आप देख सकते हैं जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि दुसाध यानी पासवान की पुश्तैनी नौकरी चौकीदार दफादारी पद पर 80% पासवान समाज की भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन का रूप करने के लिए अति पिछड़े समाज के लोग यहाँ पर जुटे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन लोग की मांगे हैं। हमारा मांग है जो हम चौकीदार दफादार जो ब्रिटिश काल से चली आई है उस चौकीदार दफादार को आज नीतीश कुमार जी हम लोग को हटा दिए हैं, तो हम लोग पुनः चौकीदारी को बहाली करने के लिए नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है जो हम लोग का बाप दादा जो पूर्व में करते आए हैं और आपने ही हम लोग को बीआरएस दिया था, बीआरएस सिस्टम लाने वाले आप ही थे। हाँ, हम लोग का घेराव करने जा रहे हैं, यहाँ रोक दिया गया है। अगर यहाँ पर अगर राज्य के बड़े अधिकारी नहीं आएंगे तो हम लोग के लिए एक बहुत ही छोटी बात है, हम लोग तोड़ करके चल जाएंगे। नीतीश कुमार से है मांग है सर कि हम लोग को आश्रितों को बहाल करें। 90 से आज तक बहाली 14 में हुआ था, 14 के बाद फिर 23 में बंद कर दिया गया। 8-8 महीना खटकर, 8-8 महीना नौकरी कर उसको वेतन से नियुक्ति कर दिया। जे हम लोग 1270 मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। हम इस सरकार को नीतीश कुमार की सरकार को कहना चाहते हैं जो पासवान समाज के साथ लगातार हकमारी हो रही है। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज परिषद भी इसका समर्थन कर रहा है। किसी भी समाज को जो पूर्वजे वंशजों के द्वारा जो अब चौकीदारों की बहाली होती थी, आज ये सरकार चौकीदार को पासवान समाज को उसे वंचित रखना चाहती है। आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, आप लोग देखे होंगे जो टोला सेवक और विकास मित्र ये नीतीश कुमार तानाशाही की सरकार लगातार पासवान समाज को हकमारी कर रहा है। आप टोला सेवक और जो विकास मित्र की बहाली में एक भी पासवान समाज की बहाली नहीं, एकदम बिल्कुल विरोध है। हम लोग चाहते हैं जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग एकदम संविधान समर्थक हैं और हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोगों को डाक बंगला चौराहा तक जाने दिया जाए। बिल्कुल, ये देखिए जब ये तानाशाही सरकार डरती है हमारे ही बीच के लोग पुलिस प्रशासन के लोगों को रोकने के लिए भेजती है। इस सरकार को हम आँख दिखाकर कहना चाहते हैं जे आप अगर इमीडिएटली चौकीदारों का आरक्षण जो पासवानों का हक अधिकार का चीज़ है उसको इमीडिएटली बहाल नहीं किया जाएगा। हम लोग इसकी भारी संख्या में सरकार को विरोध करेंगे और झुकाने का काम करेंगे। भैया बोल रहे हैं वो बात पर हम भी निर्भय है, भैया के बात पर हम सब सम हो गए और रहेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ पे हैं ये अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, इनकी जो सरकार से मांगे हैं वो लगातार रख रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं मान रही है। आज जिसके बाद आक्रोशित होकर के ये लोग विधानसभा मार्च करने निकले थे जिसे पुलिस के द्वारा जेपी गोलंबर पे रोक दिया गया है, लेकिन इन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले हम अपनी बिना मांगे पूरा करवाए अपने आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।